अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब? होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो जब भी हम फिश को साफ़ करने का मसला हो तो इसकी बू का मसला पहले आ जाता है कि हम किस तरह इसकी बू को दूर कर सकते हैं, फ़िश को साफ़ कर सकते हैं। सो जिस तरह आप बाज़ार से रेडीमेड फ़िश लेके आते हैं साफ़ की हुई पैकेट में बंद, सेम वैसे ही आज हम घर में बनाएंगे और आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते होंगे ये कितनी अच्छी साफ़ हो गई थी। इसके लिए मैंने एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की टेक्निक यूज़ की है जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। सो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 2 kg फिश है, ठीक है। उसको हमने इस तरह जी पैकेट से शॉपर से निकाल के रख दिया है वॉश होने के लिए जी। तो फिश को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक रत कटोरी लेनी है, उसमें आपने 1 चम्मच भर के इसमें अजवाइन का ऐड कर देना है। यहाँ पे तरीका थोड़ा डिफरेंट है सो आप इसको स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आपने अजवाइन का 1 चम्मच लेना है, उसके बाद आपने सॉल्ट का 1 चम्मच लेना है और इन दोनों का आपने चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर देना है। जैसे ही आप तकरीबन इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, देखें जी इसकी कुछ फाइनल लुक। अब आपने क्या करना है, आपने अपने फ़िश लेनी है और हाथों की मदद से इस तरह पूरी फ़िश के ऊपर इस पाउडर को जो हमने रेडी किया है इसको स्प्रिंकल कर देना है आपने। यहाँ पे आप चाहें तो अजवाइन का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अजवाइन के सीड्स ही इसमें ऐड किए हैं, आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। स्प्रिंकल करने के बाद आपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करते हुए क्या होता है कि जी कुछ इसके हार्ड वाले कोने जो होते हैं हाथों में बहुत लगते हैं, सो आप स्लोली स्लोली करिएगा। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड में किया है लेकिन मैंने बहुत आराम से इसको किया था। उसके बाद जी मेरे पास है जी विनीगर। विनीगर से इसकी स्मेल बिल्कुल दूर हो जाती है। किसी भी किस्म का आपको फ़िश खाने के लिए खाते वक्त कोई भी मसला पेश नहीं आता, क्योंकि विनीगर हर किस्म की स्मेल को दूर कर देता है। मैंने तकरीबन यहाँ पे 1/2 कप मैंने विनीगर इसमें ऐड किया था और विनीगर ऐड करने के बाद हमने हाथों की मदद से इसको अच्छे से जी मिक्सअप कर दिया था ताकि पूरा विनीगर इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो सके। अब आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखना है। सबसे पहले आपने नमक और अजवाइन को भी 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देनी है लगा के, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें जब विनीगर ऐड करना है तो उसके बाद भी आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देनी है। अगर आप फटाफट से सारा कुछ लगा के इसको वॉश करना स्टार्ट हो जाएंगे तो स्मेल इतनी जल्दी नहीं जाएगी, सो आपने थोड़ी देर के लिए इसको एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो ज़रूर रखना है। उसके बाद आप हाथों की मदद से इसको वॉश करें और ये देखिए बहुत अच्छी वॉश हो रही थी। लेकिन अभी मैंने जस्ट इसको टेम्परेरी सा वॉश किया था, इतना ज़्यादा वाला अच्छा वॉश नहीं किया था, लेकिन फिर भी अच्छी साफ हो गई थी। सो आपने भी एक एक पीस पकड़ के इसको वॉश कर लेना है। सो ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक, चेक करें, काफी अच्छी खासी साफ हो गई थी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 अदद लेमन का मैंने पल्प लिया है, ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल वक्त मैंने 2 लेमन का पल्प लिया है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमने पल्प इसके ऊपर ऐड किया है अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन। यहाँ पे मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी, लेकिन मोस्टली लोग इसमें बेसन की जगह आटा भी इस्तेमाल करते हैं और आप आटा भी गंदम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी आसानी के लिए। लेकिन अगर आपके पास अगर बेसन है तो आप मस्ट इस बेसन से वॉश करिए, बेसन से बहुत अच्छी वॉश होती है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम बाज़ार से वॉश हुई हुई बदबू ख़त्म की हुई लेके आते हैं रेडीमेड, बिल्कुल वैसी ही इसकी लुक होती है। सो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छी फ़िश साफ़ हो जाती है। ये हमने तकरीबन इसको इस तरह बेसन लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको रखा था और 5 मिनट के बाद मैंने इसको वॉश कर दिया था। सो क्योंकि हमने इसको घर में खुद ही बना के खुद ही खाना होता है, सो आप कोशिश किया करें अच्छे से इसको वॉश कर लें, क्योंकि जब इसकी बदबू ख़त्म हो जाएगी और अच्छे तरीके से वॉश होगी फिर आप इसको जैसा मर्जी मसाला लगा के फ्राई करें पकाएं जो भी करें वो बहुत अच्छी पक जाती है। सो ये देखें जी, ये है जी कुछ इसके फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मैंने आपको फ़िश की बदबू ख़त्म करने और साफ़ करने का कुछ नया ही तरीका बताया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया, मैं लेके आई हूँ आपकी ये लाहौरी फ़िश की रेसिपी और ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट रेसिपी, और मुझे उम्मीद है जी आज से पहले आपने इस तरह की फ़िश कभी भी नहीं खाई होगी। आज हम इसमें ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि आज से पहले आपने कभी भी फिश को बिल्कुल भी नहीं लगाए होंगे। सो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 2 किलो फिश है, ठीक है, और उसको मैंने इजीली वॉश कर लिया और इसकी वीडियो आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी मैं वीडियो दे देती हूँ। बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने इसको वॉश किया था और बहुत जल्दी हो गई थी, सो आप इसको इस रेसिपी को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर मैंने मैदे को स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। आपने किसी एक अदद स्ट्रेनर में मैदा रख के तो उसको इस तरह जी छन्नी की मदद से इसको स्प्रिंकल करना है। बिल्कुल इसी तरह आपने डीपली इसको डीप नहीं करना, जिस तरह हम इसको डीप फ्राई करने के लिए डीप करते हैं वैसे आपने बिल्कुल भी डीप नहीं करना है। इसको हल्का सा आपने मैदे को इसके ऊपर हर एक के ऊपर स्प्रिंकल करना है और फिर जी आपने क्या करना है, आपने जल्दी से इसकी साइड्स चेंज करना स्टार्ट कर देनी है और फिर जी आपने साइड्स चेंज करके फिर से इसी तरह इसके ऊपर मैदे को स्प्रिंकल करना है और आपने इसको एक साइड पर रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए।
अब हम सबसे मेन वाला स्टेप करने चाह रहे हैं, सो आप यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगी। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, 10 से 12 जवे लहसुन के थे और हल्का सा पीसेस अदरक का था, और हमने एक ही जगह इसका पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लिया था। उसके बाद जी मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड किया था, ठीक है। आपने इमली को इस तरह गर्म पानी में भिगो के रख देना है और बाद में इसकी गुटलियाँ निकाल के आपने इसको इजीली ग्राइंड कर लेना है और इमली का पल्प रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने एक अदद इसमें लेमन ऐड करना है। अब अगर आपके पास बाज़ार से लाया हुआ मछली का मसाला मौजूद है तब वो इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो मैंने घर का बनाया हुआ है, क्योंकि बाज़ार से लाया हुआ बहुत महंगा पड़ता है। सो आप घर में 100 रुपीस में भी अच्छा खासा वाला मसाला रेडी कर सकते हैं, उसका लिंक ऊपर वीडियो में नज़र आ रहा है, आप उसको प्रेस कर लें, पहले उस मसाले की रेसिपी देख लें और बाद में यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के लास्ट पर इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था, नमक हसबे ज़रूरत हसबे ज़ायका आपने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था। ये दोनों स्पाइसेस ऑलरेडी मसाले के अंदर मिक्सअप हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ी कमी पेशी हो जाती है, सो आप बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। हल्दी जस्ट फॉर कलर के लिए है और जो नमक है उसका टेस्ट आप ऊपर या नीचे हो सकता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ से हमने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है मसाले को। अगर तो आपको ये बहुत ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही हल्का सा, ठीक है, लेकिन वैसे जो इसकी थिकनेस है वो ऐसी ही होनी चाहिए। अब जैसे तकरीबन अच्छे से मिक्सअप करके अब ये पेस्ट रेडी करना है। अब इसमें आपने बेसन ऐड करना है। अब यहाँ पर बेसन तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच ऐड किए थे, जितने में तकरीबन मुझे लगे कि जितनी हमारे पास फ़िश है उसमें कम्प्लीट इसकी कोटिंग हो जाएगी। सो अगर आपकी क्वांटिटी फ़िश की कम है सो आप उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं। अब बेसन ऐड करने के बाद आपने इसी तरह बेसन को पहले अच्छे से मिक्सअप करना है, फिर आपने हल्का से इसमें पानी ऐड करना है और फिर से आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। लेकिन पहले सबसे पहले आप चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इसको मिक्सअप करें, लेकिन जब आप इसमें पानी ऐड कर दें तो पानी ऐड करने के बाद आप कोशिश किया करें कि इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट किया करें, ताकि इसके अंदर जो बेसन के जितने भी लम्स हैं वो ईजीली रिमूव हो सकें, क्योंकि अगर बेसन में किसी भी किस्म की गुठलियाँ या लम्स नहीं रहते तो वो जो क्रिस्पीपन आता है ना फिश में वो बहुत अमेजिंग लगता है और फिश जो है वो बहुत मज़े की बनती है। अगर किसी ना किसी किस्म की गुठली या लम्स रह जाएँ तो वो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। सो आप अच्छे से हैंड बीटर की मदद से इसकी मदद से इसको अच्छे से बीट कर लीजिए और फिर जी हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे तकरीबन हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। अब आपने यहाँ पे फिश को अच्छे से इस पेस्ट लगा लेना है और फिर आपने इसको तकरीबन एटलीस्ट 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देना है। 3 घंटे इसलिए रखना है क्योंकि जितने भी इसके अंदर जो जायका है अच्छे से वो इसके अंदर डिवेल्प हो जाता है। सो आप इसको जब भी फिश को इस तरह रेडी करें तो उसको एटलीस्ट 1 घंटे के लिए तो मस्ट रख दिया करें, ताकि आपकी टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा हो सके। सो अब यहाँ पे हमने अच्छे से फिश को मसाला लगा के रख दिया है और अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली लोगों की यही शिकायत होती है कि हम जब भी फिश फ्राई करते हैं जो हमारी फिश है वो नीचे पैन के साथ बिल्कुल लग जाती है, चिपक जाती है। सो आज के बाद आपकी ये टेंशन होने वाली दूर। हमेशा जब भी आप फिश को फ्राई करें इस तरह किसी खुले बर्तन में किया करें, बहुत ज़्यादा डीप वाले बर्तन में बिल्कुल भी ना किया करें, ठीक है, और उसको बिल्कुल ऑयल से ना भर दिया करें, बिल्कुल अपने इसको शैलो टाइप फ्राई किया करें। इसके बाद ये आपकी फ़िश बहुत सुपर डुपर वाली फ्राई होगी। उसके बाद आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना। हाई फ्लेम पे करेंगे तो आपकी फ़िश अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाती है, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ़िश को फ्राई करना है और यहाँ पे तकरीबन हमारी हल्की फुल्की सी तकरीबन अच्छी खासी सी बैक से हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और साइड भी बहुत अच्छी इसकी लुक नज़र आ रही है, चेक की डॉट। वो सबसे पहले हमने भी साइड ऐड किया था, सो वो थोड़ा सा ज़्यादा रेड हो गया, लेकिन बाकी बिल्कुल ही हमारे बहुत अच्छे गोल्डन टाइप के फ्राई हो चुके हैं। और अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे, लेकिन आप इसके की साइड चेंज करने के लिए कुछ कैचर यूज़ किया करें, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छी साइड चेंज होती है। यहाँ पे मैं चम्मच के साथ लगी हुई थी, लेकिन चम्मच की वजह से मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए फिर मैंने इजीली एक अदद कैचर का इस्तेमाल किया। और ये है जो तकरीबन 15 मिनट्स के बाद ये हमारी फ़िश है, क्योंकि मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई किया था, बहुत हड़बड़ी में मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं फ्राई किया था, सो अंदर से बहुत अच्छी पक गई थी। और ये है जिस इसकी फाइनल लुक, चेक इट आउट, अ गोल्डन गोल्डन मज़ेदार से स्पाइसी लुक। और अगर आपने इसको किसी के सामने पेश करना हो तो इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल करें और पेश कर दें, और खाने वाले का दिल देखते ही चाहेगा कि बस जल्दी से हमारे मुँह में चली जाए। बहुत अंदर से लजीज थी, पक चुकी थी और ये बहुत खट्टी मीठी सी बनती है। सो आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अब मिलेंगे, तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बहुत ज़बरदस्त फिश का सालन बनाने लगे हैं और ये रेसिपी इतनी सीक्रेट है और इसमें जो मसाले हम ऐड करेंगे वो भी इतने सीक्रेट हैं कि आज से पहले आपने इस तरह की कभी भी
फिश नहीं खाई होगी, एक रोटी की जगह आप 3-4 रोटियां खा जाएंगे, इतना ये लजीज बनता है, पर्सनली रेकमेंडेड। चलें जी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो भी चैनल पे न्यू आया है सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पे फिश है मेरे पास तकरीबन 5 पीसेज हैं, ठीक है, उसका अंदाज़ा आप लगा लें। उसके बाद जी जहाँ पे आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, जल्दी जल्दी से आपको मसाले में बताऊंगी। यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 अदद मेरे पास लाल मिर्च हैं, ठीक है, ये हमने इसी तरह इसमें ऐड कर देनी है, ग्राइंडर में मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद है जी 1 चम्मच मेरे पास काली लाल मिर्च साबुत। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच हैं जी सूखे धनिए के, साबुत सूखा धनिया मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये है जी मेरे पास सौंफ, सौंफ भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने लिया है, 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे आप इतने ही स्पाइसेस ऐड करिएगा जितनी मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ये मेरे पास हल्का छोटा सा पीस था अदरक का, और 12 से 13 जवे थे लहसुन के मेरे पास, ठीक है। उसके बाद ये 3 अदद मेरे पास हरी मिर्ची हैं, हमने स्टेप बाय स्टेप इनको एक अदद जग में ऐड कर देना जिससे हम इसे ईजी ग्राइंड कर सकें। उसके बाद मैंने तकरीबन 1/2 कप से भी थोड़ा कम पानी मैंने इसमें ऐड किया था ताकि ये अच्छा सा स्मूथली पेस्ट रेडी हो जाए। जैसे ही आपने इसका पेस्ट ऐड रेडी करना है, आपने एक अदद बॉल के अंदर उसको अच्छे से निकाल लेना, और यहाँ पर आपने जग में हल्का सा पानी ऐड करके चारों तरफ से कंगाल सा डाल के तो आपने इसके अंदर वापस ऐड कर देना है, और चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्सअप कर देना है। अब यहाँ पे हम 2 और सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है, हल्दी जस्ट फॉर कलर एंड टेस्ट, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद ही हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर देना है, और जो हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है उसने तो इसकी कलर ही बिल्कुल उसकी लुक जो है वो अच्छी खासी चेंज कर दी है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे जी अब आपने इसमें ऐड कर देनी है फिश, ठीक है, और जो हमने स्पाइसेस की लई सी रेडी की हुई है, ठीक है, उसकी आपने कंसिस्टेंसी देख ली, इसकी थिकनेस देख लेनी है, आपने भी इतनी थिकनेस रखनी है। अगर तो इससे ज़्यादा पतला करेंगे तो ये इसके ऊपर पेस्ट की टाइप बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अगर थोड़ा थिक करेंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सो हमने इसके ऊपर नॉर्मल सा पेस्ट लगाना है, ठीक है, और जितनी इसके ऊपर कोटिंग ईजिली होगी उतनी हमने लगानी है। उसके बाद जो बाकी की बचेगी हम अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज़ करेंगे। फिल वक्त अब हमने फ्राई पैन में ऑयल ऐड कर दिया है, और यहाँ पे हम इसको फिश को अच्छे से फ्राई करेंगे। लेकिन फिश को फ्राई करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा जो आपका ऑयल है वो मीडियम होना चाहिए, मीडियम गर्म। मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि जब भी हम फिश फ्राई करते हैं जो हमारी मछली है वो फ्राई पैन के नीचे बिल्कुल लग जाती है, जम जाती है, चिपक जाती है, उसकी वजह से जो हमारी फिश है वो टूट जाती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी उसके बाद आपकी फिश बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। आपने बिल्कुल इसको डीप फ्राई नहीं करना, मोस्टली तब ही फिश नीचे लगती है जब आप उसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं। सो कोशिश करा करें कि आप इसको शैलो फ्राई किया करें, ठीक है, डीप और शैलो के दरमियान में मतलब काम रखा करें इसको। और जब भी आपने इसको फ्राई करना उससे पहले आपने अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे फिश को फ्राई करना है। तो इसके बाद आपकी कभी भी फिश नीचे नहीं जमेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, ठीक है। और इस तरह हमने तमाम पीसेस को फ्राई करके एक प्लेट में अलग से रख लिया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और यही है जी मेन स्टेप। और यहाँ पे हम ऐसे इसमें स्पाइसेस, ऐसे ऐसे मसाले ऐड करेंगे कि इससे पहले आपने इस तरह का मछली का जो शोरबा है वो कभी भी नहीं पिया होगा, क्योंकि हमने इसमें अच्छा खासा शोरबा भी रखना है, ठीक है, इसकी क्यूरी से हमने रेडी करनी है। अब यहाँ पे मैंने वो जिसमें हमने फ़िश फ्राई की हुई है वही ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब ये है जी राई दाना। जब भी आप फिश का सालन बनाएं इसको मस्ट ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जब मैंने स्पाइसेस सारे ग्राइंड किए उसमें भी अगर आप चाहें तो इसको ऐड करें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उससे पहले मैंने मेथी दाना ऐड किया है, फिर मैंने राई दाना ऐड किया, और ये मैंने कलौंजी इसमें ऐड किए हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ें ऐड होने जा रही हैं। और इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ, अजवाइन भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसमें ऐड करिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो ये जो अजवाइन है ये कवर अप कर लेती है। इसके बाद में मैंने 1 चम्मच इसमें सौंफ का ऐड किया है। 1 अदद चम्मच सौंफ का ऐड करने का मकसद है कि इसमें जो गले की ख़ारिश है आपको किसी भी किस्म का, क्योंकि ये हमने शोरबा पीना है, तो उससे जितनी भी किस्म के आपके कोई मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाएंगे। सो अब आपने यहाँ पे इसको तकरीबन 25 सेकंड के लिए फ्राई करना है, 25 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हल्का से इसको हमने रोस्ट करना है इन तमाम मसालों को, और जैसे ही रोस्ट हो जाए उसके बाद जिसमें हमने मछली को डिप करके फ्राई किया था वही जो पेस्ट है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम पेस्ट को हमने जस्ट 5 मिनट के लिए पकाना है। तो उसके बाद हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था, ठीक है, वो हमें इसमें ऐड कर देना है। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको मसलसल हिलाना है, और हिलाते हुए हमने तकरीबन 5 मिनट का हमने टाइम लेना है, और ताकि अच्छे से जितने भी हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं वो अच्छे से पक जाएँ। उसके बाद आपने 3 अदद साबुत हरी मिर्ची इसमें ऐड करनी है, और साबुत हरी मिर्ची ऐड करने के बाद आपने इसमें
कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है, पेपरिका पाउडर ऐड करना है जस्ट फॉर कलर। इसमें कोई इस पर कोई तेज़ मिर्चें नहीं होती हैं जो जस्ट फॉर कलर के लिए हम यूज़ करते हैं हंडिया में। हम बकायदा बेसिकली इसको हम काली मिर्च के साथ ही बना रहे हैं, सो इसमें हमने किसी भी किस्म की लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं ऐड की है, जस्ट फॉर कलर के लिए। उसके बाद आपने इसमें हसबे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, जितना आपने सालन में पानी रखना है, शोरबा रखना है, उस हिसाब से आप ऐड करिएगा। और इतना ऐड करिएगा कि जितना बाद में पक के थोड़ा सा रह जाए आपके मुताबिक। उसके बाद ही मैंने तकरीबन नमक टेस्ट किया था, क्योंकि नमक हमने ऑलरेडी पेस्ट में ऐड किया हुआ था, लेकिन बाद में आप टेस्ट करके इजीली पता लगा सकते हैं कि कितना नमक कम है, सो आप उसके अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन हल्का फुल्का इसमें नमक ऐड कर दिया था, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिश रखना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जितना भी घी है वो ऊपर आ चुका था और जो हमारा शोरबा है वो अच्छे से पक चुका था। जैसे ही आपको लगे कि ये तकरीबन अच्छे से पक गया है, जितना आपको चाहिए उतना रह गया है, तो उसके बाद आप इसमें फिश ऐड करें, और फिश ऐड करने के बाद आपने इसको दम पे रख देना है। दम लगा के इसको रखना बहुत ज़रूरी है ताकि जितना भी थोड़े बहुत जो फिश के न्यूट्रिशंस है वो भी इसके अंदर ईजीली एब्जॉर्व हो जाएँ। सो अब ये है जी इसकी कुछ फाइनल लुक, चेक इट आउट आ फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी कि आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये रियल में भी बहुत टेस्टी थी और बहुत यमी सालन फिश का बना था। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो काइंडली चैनल वीडियो को पहले लाइक करिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फिर बेल के आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।